आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे चाचा की जिसकी वैल्यू 4 दिन से पहने हुए मोजे की जो वैल्यू होती है वैसी रह गई है। दीपक दलाल। मेरा नाम दीपक कलाल। दीपक कलाल, लेकिन पुराना कीड़ा तो पुराना होता है, खेलने में मजा आएगा। तो शुरू करते हैं आज का कमीनापन। लव यू माँ, मुझे पप्पी का जो चल भाग यहाँ से। तेरी पप्पी से तो बेहतर है जलते तवे पे पप्पी कर ले। नहीं, कम से कम होट जलेगे, तेरी पप्पी पे तो होट काटने पड़ जाएंगे। थप्पड़ मार इसको। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, सही किया दीदी इसके साथ। इसको तो और मारो, वरना इसके होठों पे ट्रक बांध के ट्रक को चला दो। पप्पी चाहिए साले को। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। I am sorry बाबू। ओह नो यार, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। जाने अनजाने में मैं तुम पे कीचड़ उछालने जा रहा था। मुंह भले तुम्हारा मुंह से कीचड़ साफ करने वाला हो, मगर बात तुमने बराबर बोली है। सॉरी भाई सॉरी। अभी करके बताता हूँ, ये पीछे से खुला है। और ये बाल्टी पूरी तरह से अंदर चली गई है। एक खुसरा लग दी लानत तेरी शक्ल पे, ये अच्छा है। अगर ऐसे ही आपने मेरी हौसला अफजाई बढ़ाई तो फ्यूचर में मैं बड़े बड़े मोबाइल टॉवर अंदर लूंगा। खोपड़ी तोड़ साले। अच्छा तो तब होता जब बाल्टी में तेजाब भरा होता, टावर बच जाते। तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू बड़ा मेहनती लगता है, ये काम कर भी लेगा। मतलब लोगों ने तेरी हौसला अफजाई कर दी और सिग्नल नहीं आए तो निब्बा निब्बी तेरी तशरीफ के पास आके बोलेगे, मेरे बाबू ने खाना खाया, जानू पप्पी दो ना। बड़ा ही आला बेगैरत है। कौन है? यारा जी ऐसी शुगल मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हम तो समझते थे आंखों पे हाथ रख के एक ही गेम होता है, और यहाँ तो इस वैशी दरिंदे ने इस मासूम सी गेम का मतलब ही बदल दिया। और वो मासूम सा दिखने वाला जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, आवाज का पुजारी हो भी गया चुटकी में। बेटा लूडो खेलने की उम्र में किन कामों में पड़ गया। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान मुझे तड़पाना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। दिल बेईमान हो या बीमार हो, लेकिन तुझे लेके बेगैरत नहीं हो सकता, समझा लेंगे हम दिल को। तेरी यादों में भी तू हाँ कैसे, मैं जी तू हाँ कैसी, ये तलब लग गई मुझे तो तेरी, लत लग गई लग गई। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया, आ तू भाग यहाँ से। तेरे होठ देखने से तो बेहतर है वेस्ट इंडियंस के होठ देख ले, और तेरे होठ इस तरह देख के तो दिल चाह रहा है जलते कोयले तेरे होठों पे रख दे। लग गई जमाना चाहे मजा आया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। ओ चाचा ठुमके धीरे लगाओ, ऊपर फैन चल रहा है, ये तुम्हारे बदन पे लिपटा बदकिस्मत टॉवल सड़क गया ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, हमारी आंखों में हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं तो कुछ लोग तो अपनी आंखों में जलती मोमबत्तियां घुसा लेंगे। लेकिन ये गुब्बारे को मैं गुप्त हवा से भरूंगा, वो भी आपके सामने। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सही जा रहा है, गुप्त हवा का इको मुंह से निकाल रहा है। ये हमारे लांती चाचा ने दुनिया का सबसे जहरीला गुब्बारा तैयार कर लिया है। ये गुब्बारा किसी एटम बम से कम नहीं, जहां फटेगा वहां मीलों दूर तक कोई फसल नहीं उगेगी, हवा में जहर फैल जाएगा, लोग सांस नहीं ले सकेंगे, और इसमें से ऐसे खतरनाक कीड़े निकलेंगे जो इंसानों को जिंदा नोच नोच के खाएंगे। अभी गोवा में यहाँ पे बहुत गर्मी है और इसीलिए मैं ये स्विमिंग पूल में आया हूँ, क्योंकि स्विमिंग पूल का ये ठंडा पानी जो है वो मेरे तन बदन के तपिश को मिटाता है। हाँ बहुत तपिश है तेरे तन बदन में, बुलाओ दीदी को। थप्पड़ मार इसको। नहीं सॉरी 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 सॉरी।
बहुत ही गर्मी है गोवा में, बहुत ज्यादा। वाह क्या माल है यार। पहला बंदा देखा है जो अपने हाथ से अपने बदन पर पानी डाल के लज्जत हासिल कर रहा है। फिट्टे मुंह थू थू थू, ये क्या दिखा दिया चाचा। इससे तो बेहतर था बंदा आधी रात को अकेले बैठ के हॉरर मूवी देख लेता। इसको देख के तो आंखें खोलने से डर लगेगा। तुम सामने ना आ जाओ, इनसे भी बुरा हाल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।